मानसून समाप्ति की ओर है और उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है इसी मौसम में हर साल मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है अगर आप भी मच्छरों के काटने से परेशान हैं तो चिंता ना करें आज हम आपको मच्छरों को कमरे से तुरंत बाहर भगाने का घरेलू उपाय बताते हैं यह उपाय बहुत ही सस्ता और उपयोगी है इसके इस्तेमाल से किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता है तो चलिए जानते हैं की वे उपाय क्या है पहला है कमरे में कपूर की टिक्की जला कर रखे कपूर को कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए बेहतरीन उपाय माना जाता है अगर आप भी मच्छरों के प्रकोप से परेशान हैं तो कपूर का उपाय कर सकते हैं आप दो दिन कपूर की टिक्कियों को जलाकर कमरे में रख दें इसके बाद कमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर लें जब कपूर की महक पूरे कमरे में भर जाए तो दरवाजा खोल दें कपूर की महक से परेशान मच्छर तुरंत कमरे को छोड़कर भाग जाएंगे दूसरा तरीका है नीम की हरी पत्तियों का धुआं करें नीम को बेहतरीन आयुर्वेदिक पौधा माना जाता है अगर आपके घर में मच्छरों ने हमला बोला हुआ है तो आप नीम की थोड़ी सी हरी पत्तियाँ कमरे में ले आए इसके बाद उनमें आग सुलगा दें ध्यान रखें कि पत्तियाँ जल्दी नहीं चाहिए बल्कि उनमें से केवल धुआं निकलना चाहिए देखते ही देखते मच्छर केवल कमरा ही नहीं बल्कि आपका पूरा घर छोड़कर रफू चक्कर हो जाएंगे आपको मच्छर ना काटे इसके लिए आप चाहें तो नीम का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तीसरा तरीका है लहसुन का घोल लहसुन की खुशबू थोड़ी तीखी होती है जिसे मच्छर सहन नहीं कर पाते हैं आमतौर पर जहाँ लहसुन रखा होता है वहां पर कभी भी मच्छर नहीं फटकते अगर घर में मच्छरों ने आतंक मचाया हुआ है तो आप लहसुन का पतला सा घोल तैयार कर लें। इसके बाद उस घोल को घर के सभी कोनों में छिड़क दें आप देखेंगे कि मच्छरों के झुंड उस कमरे से बाहर की ओर भाग रहे हैं चौथा है, है पुदीने का रस पुदीना केवल खाने में स्वादिष्ट नहीं होता बल्कि इसमें ढेर सारे आयुर्वेदिक गुण भी छिपे होते हैं मच्छरों को भगाने में भी पुदीना बेहद ही कारगर रहता है आप पुदीने का रस या तेल निकाल लें इसके बाद उस रस को थोड़ा थोड़ा करके घर के सभी कोनों में छिड़काव कर दें। उसकी गंध से मच्छर वहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे और तुरंत वहाँ से भाग जाएंगे